फ्रेंड, यहाँ मैं दुर्गा माँ को सिंदूर लगा रही हूँ और ये मेरी पहली सिंदूर खेला था जो मैंने आपको बताया। तो मुझे कुछ समझ नहीं था कैसे क्या करते, बट मुझे जहाँ तक पता था हाथ से पान से लगाते और देवी माँ का मुँह मीठा करते और बाकी जितने भी होते हैं लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणेश, कार्तिक, सबको ही लगाते टीका सिंदूर का। तो यहाँ पे मैंने देवी माँ को लगा दिया था, फिर उनके जो शेर, हाँ पापा शेर थे, शेर को लगा दिया था और असुर को भी मैंने तिलक लगाया था और ये लक्ष्मी माता थी साइड में और इधर सरस्वती माता थी और गणेश जी भी थे। तो सबको मैंने सिंदूर का फोटो लगा दिया था और लास्ट में गणेश जी को पान के पत्ते से लगा दिया था और उसके बाद मैंने पान का पत्ता यहीं पे रख दिया था। और मैं एक माला लेके आई थी जो कि बहुत ही छोटा था, तो मैंने देवी माँ के सामने ही रख दिया था क्योंकि उनके गले में तो आएगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा छोटा था। और उनके पैरों के पास, उनके चरणों के पास आलता लेके आई थी मैं, वो आलता लगा दिया था और फूल छिड़क रही थी उनके ऊपर और उल्लू उल्लू दे रही थी। और उसके बाद फूल छिड़क के फिर मैंने इनका मुँह मीठा करवाया था। तो यहाँ मैं बूंदी का लड्डू लेके आई थी और जल्दबाजी में मैं कुछ ले भी नहीं पाई अच्छे से क्योंकि मैं बहुत जल्दी में आई थी और जो मुझे सामने मतलब मिल गया मैं वही उठा के लेके आ गई थी। और फिर मैंने अश्रू को भी खिलाया था और सारी देवी देवताओं को मिठाई खिलाया था। और फिर इसके बाद शंकर ने सबसे पहले मुझे सिंदूर लगाया और गालों पर लगाया और मैंने भी उनके सबके ऊपर सिंदूर लगाया। ये शंकर की फ्रेंड की वाइफ है, उनको लगाया और हमारे में शाका में भी लगाते हैं, मांग में तो लगाते हैं, गाल पे भी लगाते हैं और हाथ में जो वाइट शाका होता है, हमारी जो सुहाग की निशानी होती है ये वाइट शाका ही माना जाता है, तो उन पे भी सिंदूर लगाते हैं, एक दूसरे का मुँह मीठा करते हैं। तो यहाँ मेरा भी मुँह मीठा कर रहे थे और मैंने भी उनका मुँह मीठा किया था। उसके बाद और एक भाभी थी पास में, उनको भी मैंने लगाया था सिंदूर। तो यहाँ पे मैंने भी उनको सिंदूर लगाया, तो वो पहले से ही पूरी रंगी हुई थी तो मैंने उनको थोड़ा थोड़ा और लगा दिया था। और क्योंकि ये लोग सब पहले से ही थे, स्टार्टिंग से ही थे और मैं बाद में आई थी, एकदम जब लास्ट टाइम था उस टाइम ही मैं आई थी। और यहाँ अंश शंकर के फ्रेंड के गोदी में थे और यहाँ और भी भाभी लोग थे, तो सबको मैंने टीका विका लगाया और यहाँ पे लड़कों को भी तिलक लगाया, सिंदूर का तिलक लगाते हैं, गाल में लगा सकते हैं, तो सबको मैंने लगाया था जो जो भी थे उनके फ्रेंड लोग और ये शंकर के दूसरे फ्रेंड थे तो इनको भी मैंने लगाया था गालों में। और यहाँ पे दूसरे फ्रेंड थे उनको भी मैंने टीका लगाया, गालों में लगाया और अंशु को भी लगा दिया था, किसी ने पता नहीं किसने लगाया था बट उसको भी तिलक लगा दिया था। और ये जल्दी से छूटता भी नहीं है सिंदूर का रंग, तो ऐसे ही रहता है। और ये मिठाई पूरी रंग गई थी मेरी। और यहाँ पे ढाकी ढाक बजा रहे थे, ये इसको ढाक बोलते हैं, ये ढाक बजा रहे थे और इसकी जो धुन होती है बहुत ही अच्छी लगती है सुनने में। और यहाँ पे सब दुलोची लेके डांस कर रहे थे, तो किसी को आ नहीं रहा था डांस, बस थोड़ा बहुत सब लोगों ने नाचा, इन्जॉय किया। और यहाँ पे शंकर हंस के साथ नाच रहा था, शंकर के फ्रेंड लोग नाच रहे थे और हंस के साथ कैसे मस्ती कर रहे हैं। और ये जो पंडित है उन्होंने पूजा करी है, इन्होंने करिए जो वाइट है। और यहाँ पे देवी माँ को लेके जा रहे थे, ये आखिरी टाइम था जब आशुन से निकाल के देवी माँ को सब मिलके उठा के लेके जा रहे थे। ये टाइम जो होता है मतलब बहुत ही सैडनेस होता है कि इतने दिन माँ थी, चार पांच दिन उसके बाद चली जाती है, तो ये बड़ा सा ट्रक लेके आए थे और सब लोग मिलके इनको उठा रहे थे देवी माँ को। और ये ट्रक में चढ़ा दिया था, तो उसके बाद भी सब उठा रहे थे और सब लोगों ने जब देवी माँ को लेके जाते एक दूसरे पे रंग लगाते, येलो कलर का रंग लगाया था, किसी ने रेड कलर का लगाया था। तो ये ट्रक में डालने के टाइम का नज़ारा है, आप लोग देखिए कितने मुश्किल से इनको मतलब ट्रक में उठाया था। और यहाँ पे देवी माँ का आसन खाली हो गया है, तो आप कितना सुना सुना लग रहा है, देवी माँ चली गई और उनका पूरा जो आसन है खाली पड़ा हुआ है। की मूर्ति लेके चले गए हैं और सब कुछ खाली हो गया, पीछे देख सकते हो मंडप जो भी है। हमने यहाँ पे आके थोड़े टाइम के लिए आए थे
एंजॉय किया फ्रेंड लोगों के साथ। और मैंने फर्स्ट टाइम देवी माँ को सिंदूर लगाया, सिंदूर खेला सबके साथ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और आप लोगों को भी दिखाया कि बंगाली लोगों का सिंदूर खेला कितना, मतलब कितना अच्छे से होता है, कितने सब लोग डांस करते हैं, खुश होते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, सिंदूर लगाते हैं, मुँह मीठा करते हैं। तो आज का अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।